जैसा कि हमें पता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 शुरू हो चुका है और उसके इफेक्ट जो है बहुत मास लेवल पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। इवन कोविड के टाइम पे भी धारा 144 का इस्तेमाल किया गया था। तो ये धारा 144 होती क्या है, आइए जानते हैं। अभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिसमें कि पब्लिक लाइफ और पब्लिक प्रॉपर्टी को खतरा हो, साथ ही साथ कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे कि जो पब्लिक पीस है वो मास लेवल पे डिस्टर्ब हो रही है, कि उन्हें पता है कि दंगे हो सकते हैं या दंगे वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है या किसी और तरह का न्यूसेंस कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में इमीडिएटली प्रिवेंशन के लिए ऐसे सिचुएशन को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सीआरपीसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज यानी कि ईएम डीएम और एसडीएम को ये पावर देती है कि वो सेक्शन 144 इंपोज कर सकते हैं किसी भी एरिया में। ऑर्डर्स जैसे कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, ऐसे में जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो मददगार बनती हैं। वो टीयर गैसेज हो गई या फिर लाठी चार्ज हो गई या बैरिकेड लगाना, इस तरह की सिचुएशन से जो है भीड़ को कंट्रोल करती हैं। या फिर ये इंश्योर करना कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी तरह का वेपन या हथियार जो है कैरी ना कर रहा हो, साथ ही साथ कोई ऐसी नारेबाजी तो नहीं हो रही जिससे कि लोग प्रोवोक हो सकते हैं, या लाउड स्पीकर पे बैन लगाना, या फिर पांच या पांच से ज्यादा लोग कहीं भीड़ इकट्ठी करके खड़े हैं। इस तरह के कुछ ऑर्डर्स या रिस्ट्रिक्शन जो है सेक्शन 144 यानी धारा 144 के थ्रू लगाए जा सकते हैं, और धारा 144 जो है 2 महीने के लिए वैलिड रहती है किसी भी एरिया में। बट अगर कोई इमरजेंसी वाली या कोई खतरे वाली सिचुएशन बन रही है तो ऐसे में 6 महीने तक और एक्सटेंड हो सकती है।